Now let us start brain teaser question number 2 of polynomial brain teaser of polynomial question number 2 divide one number is divide minus 39 x to the power 4 by root 13 x square. All of you know how to divide monomial by monomial. First you have to write it minus 39 x to the power 4 by root 13 x square. देखिए इस फॉर्म में लिखे आप. अब आप माइनस 39 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 13 और इंटू एक्स की पावर 4 बाय रूट 13 एक्स स्क्वायर. आप देख रहे हैं ऊपर में 13 है, नीचे रूट 13 है, तो हम चाहें तो 13 को रूट 13 इंटू रूट 13 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऑल ऑफ यू नो इफ इन स्क्वायर रूट 13 इंटू 13 इट में बी रिटन एज 13. अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो है दो 13 होते हैं तो बाहर आके एक 13 होता है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. 13 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 13 इंटू 13 या इट में बी रिटन एज रूट 13 इंटू रूट 13. तो रूट 13 इंटू रूट 13 13 होता है, तो यही हमने यहाँ पर लिखा. तो 13 को लिख सकते हैं, देखिए माइनस 3 इंटू 13 को लिखे आप रूट 13 इंटू रूट 13, क्योंकि नीचे में रूट 13 है, और इंटू एक्स की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर. रूट 13 एक्स स्क्वायर है, रूट 13 रूट 13 कैंसिल हो गया. अब एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 को कैंसिल किए तो या एक्स की पावर ए माइनस बी मतलब 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, या डायरेक्ट चाहें तो ऐसे कैंसिल कर दें 2 आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 13 एक्स स्क्वायर. इट इज योर आंसर. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज रूट 125 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 वाई स्क्वायर. रूट 125 वाई स्क्वायर बाय 5 वाई स्क्वायर आपने लिखा. अब रूट 125 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू वाई स्क्वायर बाई 5 वाई स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू, देखिए रूट के अंदर जो है 3 5 हैं, तो 2 5 हैं तो बाहर आ जाएगा, तो एक 5 बचेगा और एक अंदर में ही रह जाएगा 5 रूट 5. इसको आप लिख सकते हैं 5 रूट 5 इंटू वाई स्क्वायर बाई 5 वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, ये 5 और 5 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली रूट 5. तो रूट 5 इज योर आंसर. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. 49 पी की पावर 3 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस 7 रूट 7 पी स्क्वायर. तो देखिए 49 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 7 इंटू पी क्यूब पी इंटू पी इंटू पी बाय माइनस 7 इंटू रूट 7 इंटू पी स्क्वायर कैन बी रिटन एज पी इंटू पी. देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे अभी पहले में बनता है, और इस तरह से भी आप पूरा ब्रेक कर लीजिए उसके बाद. अब देखिए 7 को एक 7 को फिर रूट 7 इंटू रूट 7 लिख सकते हैं. 7 इंटू 7 कैन बी रिटन एज रूट 7 इंटू रूट 7, क्योंकि नीचे में रूट 7 है, इंटू पी इंटू पी इंटू पी डिवाइडेड बाई माइनस 7 इंटू रूट 7 इंटू पी इंटू पी. अब जो जो कैंसिल है कैंसिल करें, एक पी कैंसिल, एक पी और कैंसिल, रूट 7 कैंसिल, 7 कैंसिल, तो ऊपर में केवल बचा देखिए रूट 7 और पी, रूट 7 पी और ये माइनस, तो माइनस को ऊपर में ले जाएंगे तो माइनस रूट 7 पी. इट इज योर आंसर. नाउ फोर नंबर इज 14 जेड की पावर 6 डिवाइडेड बाय 14 बाय 3 जेड क्यूब. अब देखिए इसको हम 14 बाई 3 है तो 14 इंटू ये डिवाइड रेसिपोकल में चेंज हो जाएगा, रेसिपोकल होगा तो 3 बाई 14, और यहाँ जेड की पावर 6 बाई 3 है तो 6 माइनस 3. अब डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए जेड क्यूब आ जाएगा जैसे, या एक्सपेंड करके करिए, कई तरीका से आपको बता दिए. अब ये 14 14 कैंसिल हो गया,
ये 3 बचा और जेड की पावर 6 माइनस 3 जेड की पावर 3, इट इज योर आंसर 3z³। नाउ फोर नंबर, फाइव नंबर देखते हैं, 6x³ - 4x² + 8x / 2/3x। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम बताएं मोनोमियल का डिवीजन के लिए, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर दीजिए। 6x³ - 4x² / 2/3x + 8x / 2/3x। अब यहाँ पे देखिए नंबर को रेसिप्रोकल किए तो ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ एक्स क्यूब है और x है तो कैंसिल होकर क्या आया x² या x into x into x, 3 बार, और 1x कैंसिल होगा तो 2 बार बचेगा x² - 4 × 3/2। 1x कैंसिल हुआ तो केवल x बचा, x यहाँ पे x² बचा, और प्लस 8 × ये भी रेसिप्रोकल करिए 3/2 और x पूरा कैंसिल हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 3 जा, यहाँ पे 2 2 जा और ये 2 4 जा, इट्स कम्स आउट 3 3 जा 9 9x² - 2 3 जा 6x और प्लस 4 3 जा 12, इट इज योर आंसर। ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ तो सही कर लेंगे, क्योंकि केवल आपको प्रोसेस अच्छे से जानना है। ठीक है, कैलकुलेशन कहीं भी गलत होगा तो उसको सही करेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसी का, y² - 5y + 1 / -1/3y। सेपरेट किए इसको भी, y² - 1/3y - 5y - 1/3y + 1/-1/3y। पहले अलग अलग कर लिए, अब देखते हैं यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल किए 3/1, और माइनस है तो ये माइनस, और y² से एक y कैंसिल हुआ तो y बचा, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 5 × 3/1 और y पूरा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस और ये हुआ 1 × 3/1, और ये देखिए y नीचे ही रहेगा, (y) नीचे, क्यों बच्चे इसको ऊपर कर लेते हैं, यही रॉन्ग हो जाता है, हाँ y लिख देते हैं तो यही रॉन्ग होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा 3 × 3 - 3y और 5 × 3 = 15 + 15 - 3/y, इट इज योर आंसर, इसको ध्यान रखते हैं। ठीक है, यहाँ गलती होती है y के। अब नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन 2। देखिए 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर इज 18a³ - 12a² + 9a / 3a। अलग अलग किए, 18a³ - 12a² / 9a / 3a। देखिए 3 6 = 18 और a कैंसिल हुआ, a² आया तो ये बचा 6a² 3 4 = 12 a कैंसिल हुआ, a आया तो -4a, फिर 3 3 = 9 और a कैंसिल हो गया तो केवल बचा +3। आपको बता चुके हैं इसलिए फास्ट बता दिए। चलिए नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड एंड राइट डाउन द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, आई ऑल्सो चेक योर आंसर। ठीक है, इस तरह का कई क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है तो डिवाइड कैसे करते हैं एक बार और देख लें। पहला है, यू हैव टू डिवाइड, देखिए 4x² + 7x - 11/2x - 4। तो डिवाइड का सबसे पहला रूल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिए दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिविडेंट और डिवाइजर दोनों 2x - 4। तो अब क्या करते हैं, देखिए बता चुका है 4x² / 2x, 2 2 जा और ये x कटा, 2x टाइम्स ले गए, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2x × 2x - 4, इट्स कम्स आउट 4x² - 8x। यहाँ लिखेंगे 4x² - 8x, साइन चेंज किए माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, 7 और 8 15, प्लस प्लस ऐड हुआ 15x - 11। अब देखिए 15x / 2, तो 15x / 2x, x कटा तो 15/2 मींस प्लस 15/2 टाइम्स ले गए आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो वही आएगा 15x, और देखिए
माइनस फोर इंटू फिफ्टीन बाई टू, टू टू जा तो माइनस थर्टी, इट्स कम्स आउट माइनस थर्टी, साइन चेंज माइनस माइनस, और ये देखिए प्लस हुआ, ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, थर्टी में से इलेवन गया नाइनटीन, प्लस नाइनटीन इट इज योर रिमाइंडर। तो क्वेश्चन आया देखिए टू एक्स प्लस फिफ्टीन बाई टू एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू नाइनटीन। अब चेक करेंगे डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यह डिवाइजर इज टू एक्स माइनस फोर, क्वेश्चन इज टू एक्स प्लस फिफ्टीन बाई टू और प्लस रिमाइंडर इज नाइनटीन। तो देखिए अब मल्टीप्लाई किए टू एक्स से टू एक्स में, फोर एक्स स्क्वायर, फिर टू एक्स से फाइव बाई फिफ्टीन बाई टू में, टू टू कैंसिल हुआ, फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस फोर टू जा एट, एट एक्स फोर से इसमें टू टू जा और माइनस थर्टी और प्लस नाइनटीन। तो देखिए आगे क्या, फोर एक्स स्क्वायर फिफ्टीन माइनस एट सेवन, तो प्लस सेवन एक्स और माइनस थर्टीन प्लस नाइनटीन माइनस एलेवन, तो माइनस एलेवन दैट इज इक्वल टू डिविडेंड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर टू। देखिए क्वेश्चन नंबर टू इज 125 माइनस 225x प्लस 135x स्क्वायर माइनस 27x क्यूब बाई 5 माइनस 3x। कैसे करते हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किए, माइनस 27x क्यूब प्लस 135x स्क्वायर माइनस 225x प्लस 125 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 5 माइनस 3x, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो माइनस 3x प्लस 5, तो पहला माइनस 27x क्यूब को माइनस 3x से किए तो 3 नाइन जाए 9x स्क्वायर टाइम, 9x स्क्वायर टाइम लेगा मल्टीप्लाई किए तो माइनस 27x क्यूब 9 5 जाए 45 माइनस 45x स्क्वायर। अब देखिए साइन चेंज, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कैंसिल हुआ, प्लस प्लस ऐड हुआ तो 5 और 5। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है ये प्लस आता, 9 5 जाए प्लस 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 45 और ये साइन यहाँ चेंज हुआ माइनस का, तो 5 माइनस 5 जीरो, 13 माइनस 4 9, 90 एक्स स्क्वायर माइनस 225 एक्स प्लस 125, 90 एक्स स्क्वायर को माइनस 3 एक्स से किए तो माइनस 30 एक्स। देखिए अब डायरेक्ट हम बता रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो 30 इंटू 3 90 एक्स स्क्वायर और ये 35 जा 150 तो माइनस 150 एक्स, साइन चेंज करिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट तो आ गया माइनस 75 एक्स प्लस 125, माइनस 75 एक्स को माइनस 3 एक्स से किए तो आया 25, तो 25 से मल्टीप्लाई किए तो 75 एक्स प्लस 125, साइन चेंज प्लस ये माइनस ये कैंसिल ये कैंसिल, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो क्वेश्चन इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 25 एंड रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। नाउ यू हैव टू चेक डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, हियर डिवाइजर इज माइनस 3x प्लस 5 एंड क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। अब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 3 9 जाए 27 तो 27x क्यूब माइनस माइनस प्लस 90x स्क्वायर माइनस 75x, माइनस 3x से पहले तीनों में मल्टीप्लाई किए, इसमें फिर इसमें फिर इसमें, इसी तरह से अब 5 से करें, इसमें 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 5 से किए तो 5 9 जा 45 एक्स स्क्वायर माइनस 150 एक्स प्लस 125। अब देखिए लाइक टर्म को एक साथ लें तो एक्स क्यूब वाला और कोई नहीं है तो ये आ जाएगा माइनस 27 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला 90 प्लस 45, यहाँ देखिए 45 90 प्लस 45 ये हो जाएगा 135 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 75 एक्स माइनस 150, माइनस माइनस ऐड किए तो माइनस 225 है प्लस 125 दैट इज इक्वल टू योर डिविडेंड, दैट इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए फोर नंबर देखते हैं इसी तरह से, इसका थ्री देखते हैं, सॉरी थ्री वाई क्यूब प्लस फाइव वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 9 डिवाइडेड बाई y प्लस 2। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में था, हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो y इंटू वाई क्यूब, मतलब y क्यूब को y से डिवाइड किए तो y स्क्वायर टाइम्स y स्क्वायर इंटू y, y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, साइन चेंज किए माइनस ये कैंसिल हुआ 5 माइनस 2 3,
3y स्क्वायर को y से टीए तो 3y आया, 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, बता चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, माइनस ये कैंसिल हुआ, 12 माइनस 6 6y, अब नीचे उतारे ये +9, 6y को y से किए तो 6 टाइम्स तो 6y, अब +6 2 12, साइन चेंज, माइनस ये कैंसिल हुआ, 9 माइनस 12 3 आया, और साइन बड़े वाले का -3 इज योर रिमाइंडर, तो क्वेश्चेंट इज इक्वल टू y² + 3y + 6 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -3. नाउ यू हैव टू चेक डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. हियर डिवाइजर इज y + 2, क्वेश्चेंट इज y² + 3y + 6 एंड रिमाइंडर इज -3. y से पहले तीनों में मल्टीप्लाई किए तो आया y³ + 3y² + 6y, अब 2 से किए +2y² + 6y + 12 -3. नाउ लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो y³ 3 और +2 5, तो 5y² 6 और 6 12 + 12y 12 -3 + 9, तो y³ + 5y² + 12y + 9, दैट इज योर डिविडेंड. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 इज 8p³ - 729 - 108p² + 486p बाई 2p - 9. तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. 8p³ - 108p² + 486p - 729 / 2p - 9, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो 8p³ को 2p से किए तो 4p² टाइम्स, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p³ - 36p² मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे आपको बताया जा चुका है एक एक स्टेप, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, तो आया -72p² + 486p - 729. अब -72p² को 2p से करेंगे तो -36p, तो -36p से अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -72p² -+, देखिए अब ये आ जाएगा 9 6 54 4 carry 3 9 3 5 9 3 27 और 5 32, तो 324p. अब साइन चेंज करेंगे यहाँ नीचे में, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, ये 2 आया, ये 6, ये 1, साइन बड़े वाले का तो प्लस है, तो -729 162p को 2p से किए +81 81 into 2p 162p - 729, अब साइन चेंज किए माइनस प्लस, दोनों कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0. नाउ क्वेश्चन इज इक्वल टू 4p² - 36p + 81 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0. नाउ हाउ यू चेक डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. हियर डिवाइजर इज 2p - 9 एंड क्वेश्चेंट इज 4p² - 36p + 81, अब प्लस रिमाइंडर इज 0. अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2p से पूरे ब्रैकेट में, 2 4 जाए 8p³, देखिए 2p से पहले तीनों में कर लेंगे ऐसे, तो 2p * 4p² 8p³ 2p * 36 - है तो -72p², फिर प्लस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 162p, अब -9 से करेंगे तो -36p² -+ 324p और -729, दैट इज इक्वल टू 8p³ - 108p² + 162 + 324, तो यह आ जाएगा 6 8 4 486p - 729, इट इज योर डिविडेंड. नाउ लेट अस सी फाइव नंबर, q³ + 3q² - 4/q² - 1, तो इसी तरह से q³ + 3q² - 4/q² - 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, q⁴ को q² से किए तो q² टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, q⁴ - q² लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे,
साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, 3 + 1 = 4, 4q² - 4, 4q² को q² करेंगे तो 4 आएगा, तो इट्स कम्स आउट 4q² - 4 साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल रिमाइंडर 0. नाउ क्वेश्चन इज q² + 4 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू चेक डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. हियर डिवाइजर इज q² - 1, क्वेश्चन इज q² + 4 प्लस रिमाइंडर इज 0. नाउ q² से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, q^4 प्लस 4q² - 1 से करेंगे तो -q² - 4, दैट कम्स आउट q^4 प्लस 3q² - 4, दैट इज योर डिविडेंड. नाउ लेट अस सी 6th नंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस सी p^4 प्लस 63/4 p² - 5 डिवाइडेड बाय p² - 1/4. देखिए पहला जो है p^4 को p² से किए तो p² टाइम्स, यहाँ p² टाइम्स में अब मल्टीप्लाई करेंगे, p² × p² - 1/4, इट्स कम्स आउट p^4 - 1/4 p² लाइक टर्म के नीचे लिखे, ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज हुआ ये. अब ये देखिए आया क्या, 63/4p अब प्लस 1/4 p² है, दोनों p² p² तो अब क्या करेंगे, दोनों को रफ में ऐड कर लें, 63/4 प्लस 1/4, यहाँ एलसीएम लिए 4 आया, 63 + 1 दैट कम्स आउट 64/4, ये कैंसिल हुआ तो 16, ये ध्यान देना ये क्या आ गया 16, तो यहाँ लिखेंगे 16p², क्यों, प्लस और प्लस ऐड हुआ तो 63/4 अब प्लस 1/4, दोनों को ऐड किए रफ में तो आया 16, तो 16 और p² लाइक टर्म तो p² और -5, फिर वही प्रोसेस, 16p² को p² से किए तो 16 टाइम्स तो प्लस 16, तो ये आ गया 16p², अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 16 × p² - 1/4, इट्स कम्स आउट 16p² माइनस 16 × 1/4, 4×4 = 16, 16p² - 4, तो यहाँ लिखेंगे आप 16p² - 4, साइन चेंज माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट माइनस 1. नाउ क्वेश्चन इज इक्वल टू p² + 16 एंड रिमाइंडर इक्वल टू -1. नाउ यू हैव टू चेक डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. हियर डिवाइजर इज p² - 1/4 इंटू क्वेश्चन इज p² + 16 और प्लस रिमाइंडर इज -1. तो p² से पहले दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए p^4 प्लस 16p² - 1/4 p² माइनस 16 × 1/4, 4×4 = 16, -4 - 1, तो ये आ गया p^4 प्लस, इन दोनों में एलसीएम लिए तो 4 एलसीएम आया, 16 × 4 = 64p² - 1p² और -5, दैट इज p^4 प्लस 63/4p² - 5, दैट इज योर डिविडेंड. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वेदर आर नॉट द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल. देखिए फैक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड आपको बताया जा चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, अगर नहीं है तो कर लेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है, नहीं आए तो नहीं है. तो अब देखिए, तो 3x^4 को 3x से किए, x³ आया, मल्टीप्लाई करते हैं, 3x^4 प्लस 2x³, साइन चेंज जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करते हैं, 5 - 2, 3 आ गया, 3x³ माइनस x² प्लस 13x प्लस 10, 3x³ को 3x से x² टाइम्स, तो 3x³ प्लस 2x², साइन चेंज माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ तो -3x² एंड प्लस 13x प्लस 10, -3x² को 3x से किए तो माइनस x आया, -3x² माइनस 2x, साइन चेंज प्लस प्लस, ये कैंसिल, तो आ गया 15x प्लस 10, 3 × 5 जा तो प्लस 5 टाइम्स, तो 5 × 3 जा 15x प्लस 10, साइन चेंज माइनस माइनस, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कम्स आउट 0, तो हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल.
यहाँ पे, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो नहीं होता, ठीक है। इसी तरह हम एक और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन को चेक करना है, एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसका फैक्टर है कि नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब डायरेक्ट डिवाइड कर लें, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, यही ध्यान रखना है, यहाँ एक्स क्यूब के नीचे नहीं, ये माइनस साइन चेंज, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ ऐसे ही आ जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस माइनस एट माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, माइनस थ्री एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए माइनस थ्री एक्स टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो वही आएगा प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइक टर्म के नीचे साइन चेंज प्लस, ये कैंसिल हुआ, तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किए तो माइनस फाइव आया, तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर और माइनस फाइव यहाँ पे साइन चेंज प्लस, ये कैंसिल हो गया तो आ गया सिक्स एक्स प्लस सेवन। अब देखिए इसका डिग्री टू है, इसका डिग्री वन है, प्रोसेस स्टॉप। आपको बताया गया है रिमाइंडर की डिग्री जो है हमेशा जो है डिवाइजर से कम होनी चाहिए, कम हो गई तो अब प्रोसेस अब नहीं करेंगे, अब यहीं पे स्टॉप कर देंगे, तो हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, कहीं गलती होगा तो चेक कर लेंगे, ठीक है, सेकेंड पॉलिनोमियल, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, केवल आपको प्रोसेस जानना है, प्रोसेस जानिए और कंप्लीट करिए, ठीक है।